दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, मुठ्ठियां बांधेंगे और एक स्वर में एक साथ जयघोष करेंगे। अभी तक जितनी बार जयघोष हुआ है मेरे कानों तक तो आवाज ही नहीं आई, वैसे मैं थोड़ा ऊंचा सुनती हूँ। मजाक ना करें, पिछले हफ्ते डॉक्टर को दिखा के आए। दोनों हाथ ऊपर उठाइए, दोनों हाथों को एकदम सीधे, ऐसे ऐसे नहीं, एकदम सीधे हाथ ऊपर उठाइए। जो लोग खड़े हैं उनके लिए कोई टैक्स लगने वाला नहीं है हाथ ऊपर उठाने में, टैक्स फ्री है ये कार्यक्रम। दोनों हाथ ऊपर उठाइए, कोई जीएसटी नहीं लगेगी। हाथ उठाइए, दोनों हाथ एकदम सीधे और एक स्वर में सभी को जयघोष करना है, भारत माता की। कम से कम इतनी जोर से जयघोष होना चाहिए कि आज के कार्यक्रम का जो सूत्र है, एक जाति एक राष्ट्र, तो लोगों के कानों तक जो समाज में भेदभाव छुआछूत का भाव रखते हैं, उनके कानों तक ये आवाज जानी चाहिए कि यहाँ से समरसता का एक रस्ता का सूत्र जा रहा है। दोनों हाथ बटा के जयघोष करेंगे, भारत माता की, भारत माता की, हिंदू राष्ट्र की, हिंदू धर्म की, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। इस उदन खेड़ी की पावन धरती, बारंबार इस धरती को मैं प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ। बहुत बड़ा सौभाग्य होता है जब ऐसे कार्यक्रम होते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा सौभाग्य मेरा कुछ और होगा कि आप लोगों के साथ साथ आज गौशाला के इस पावन प्रांगण में स्वयं गौ माता श्रोता बनकर के बैठी हुई है और हम उनके सामने अपनी बात रख रहे हैं। तो श्रद्धा गोपाल गौशाला के इस पावन सानिध्य में हम सभी बैठे हैं, गौ माता को प्रणाम करती हूँ, गौशाला को प्रणाम करती हूँ। मंच पे विराजमान हमारे कर्नल साहब जी, मैं हर मंच पर अपनी बात कहती हूँ, आज कहूंगी बहुत प्रसन्नता हो रही है। आप लोग फिल्में देखते हैं, टीवी देखते हैं, सिनेमा देखते हैं और हर एक व्यक्ति का कोई ना कोई हीरो बना लेते हैं, कोई ना कोई आइडल बना लेते हैं। बहुत से लोग सहज भाषा में मुझसे भी पूछते रहते हैं कि साध्वी जी आपका फेवरेट हीरो कौन सा है, तो मैं उनसे एक ही बात कहती हूँ कि मेरे फेवरेट हीरो बाहर देश के सेवा में बॉर्डर पे तैनात फौजी भाई है, असली हीरो मेरे वही है और मेरे ही नहीं तो आप भारत के असली हीरो हैं। मुझे नहीं लगता आप रिटायर्ड हुए हैं, रिटायर्ड होने के बाद भी इतना स्टेमिना, इतना पावर, इतनी एनर्जी है देश और धर्म का कार्य करने के लिए, तो आपको नमन करती हूँ। मालवा प्रांत के बजरंग दल के संयोजक हमारे भाई जी, सनातन संस्था के योगेश दादा जी, मंच में विराजमान भाई अमन जी, ये कार्यक्रम गौशाला के प्रांगण में और उनके कार्यकर्ताओं के सहयोग से एवं भारत स्वाभिमान मंच के तत्वाधान में हो रहा है। आप सभी विराजमान माताओं को, भाइयों को, बुजुर्गों को, आप सभी को मैं हाथ जोड़ करके प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। आज इस मंच पे हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं देश धर्म और राष्ट्र की बात करने के लिए। वैसे तो बहुत से कार्यक्रमों में मैं जाती हूँ, अलग अलग विषय होता है। आज का विषय देख करके वास्तव में मुझे बहुत रोना आ गया कि भारत जैसे देश में रह करके भी आज हमको ऐसा मंच सजाना पड़ रहा है जहाँ एक जाति एक राष्ट्र की बात करनी पड़ रही है,
और ये बात इसलिए करनी पड़ रही है कि भारत के लोग अपना परिचय ही भूल गए कि आखिर में वो है कौन। आप किसी अन्य व्यक्ति के पास चले जाइए, किसी भी अन्य मजहब के व्यक्ति के पास चले जाइए, तो वो ये नहीं कहेगा कि मैं सिया हूँ, मैं सुन्नी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। वो ये कहेगा कि मैं मुसलमान हूँ, मैं ईसाई हूँ। हिंदुओं के पास चले जाइए, मैं तो माली हूँ, मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं तो राजपूत हूँ, मैं तो बनिया हूँ, मैं तो गुप्ता हूँ, मैं तो फला 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 हूँ। भारत को टुकड़े टुकड़े करने का काम किसी और व्यक्ति ने नहीं किया। एक लोहे की कुल्हाड़ी में इतनी औकात नहीं होती कि वो लकड़ी को काट सके। कुल्हाड़ी में लकड़ी का हत्था न होता तो लकड़ी के कटने का रास्ता न होता। हमारे देश के हिंदुओं का जो खून है वो खून नहीं है, जलता हुआ अंगारा है। हम सभी लौह पुरुष हैं, हम हिंदू हैं। हमारी जो अंदर की नस्लें हैं वो इतनी पवित्र हैं, इतनी पावन हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सर संचालक परम पूजनीय माधवराव सदाशिवराव बलवरकर श्री गुरुजी ने कहा है, हिंदुः सहोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवे, मम हिंदिच्छा हिंदु रक्षा, मम मंत्र समानता। हिंदू कभी पतित नहीं होता है, इसको जातियों में मत बांटिए। हिंदू तो एक बहुत सुंदर जीवन जीने की कला है। हिंदू तो सारे संसार को अच्छे मार्ग पे लेके चलने की हिंदुत्व तो ही कहता है। पूरी दुनिया में और कोई नहीं कहता कि विश्व का कल्याण हो, हिंदुत्व तो कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आज बड़ी विषमता आ गई। आपने बहुत सारे वक्तव्य अभी सुने और हर व्यक्ति ने एक बात आपको बताई कि हमारे देश को खत्म करने में किसी भी व्यक्ति का हाथ नहीं था। इतने दिन देश जो गुलाम रहा है या हम किसी के जंजीरों में बंधे रहे, इसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं। मैं आपको थोड़ा सा अपना परिचय दे दूं और अपनी बात बता देती हूँ। इस बात को इस कार्यक्रम से अलग रख करके ध्यान से सुनेगा, मेरी माताएं बैठी है, मैं बहुत सहज भाषा में आपको समझाना चाहती हूँ। मेरा जन्म गौतम गोत्र के ब्राह्मण परिवार में हुआ। जब बचपन से 5-6 वर्ष की उम्र से कथा कर रही थी तो मैंने एक चीज नोटिस की कि 13-14 वर्ष की उम्र तक बहुत सारे जगहों पे मुझे ज्यादातर कभी परशुराम जयंती पे, कभी कोई ब्राह्मण संघ पे, कभी कोई इस कार्यक्रम में, कभी कोई चाणक्य परिषद में, बड़े बड़े कार्यक्रमों में बुलाते थे क्योंकि ब्राह्मण है, ब्राह्मण है, ब्राह्मण है। मैंने नोटिस किया कि भाई ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, मैं तो हिंदू हूँ, सिर्फ ब्राह्मण लोग ही क्यों बुलाते हैं और दूसरे लोग मुझसे दूर क्यों जा रहे हैं। तब मैंने नोटिस किया कि मेरे कार्ड पे जो विजिटिंग कार्ड होता है, जो ब्राउचर होता है, उसमें लिखा होता था साध्वी सरस्वती मिश्रा। तो मैंने जो मेरे साथ में कार्य करने वाले भाई लोग हैं उनको बोला कि एक काम करना, अब आगे से जो कार्ड छपवाए जाएंगे ना उसमें से मिश्रा शब्द हटा देना जरा। तो जब शब्द हटा दिया गया, थोड़े दिन बाद सभी लोग आने लगे, सभी लोग मिलने लगे, सभी लोग बातचीत करने लगे, तब मुझे समझ में आया कि किसी एक जाति में बंध करके हमें नहीं जीना है। भगवान ने 4 वर्ण बनाए हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इन 4 वर्णों का प्रतिनिधित्व करने के लिए उनके लोग बनाए हैं। मैं उस दिन से मैंने संकल्प लिया कि अगर मेरा किसी गांव में कार्यक्रम होता है 7 दिन की कथा के लिए मैं जाती हूँ तो मैं उन लोगों को कहती हूँ, आयोजकों को, भैया मेरा निवास स्थान आप गांव के उस व्यक्ति के घर में करना जो व्यक्ति गांव में झाड़ू लगाता हो, जिसके घर कोई पानी भी नहीं पीता होगा, मैं 7 दिन उसके यहाँ जाके भोजन करूंगा। लोगों ने कहा लोग तो उनके यहाँ पानी नहीं पीते, आप भोजन करोगी? मैंने कहा कि अगर मैं उनके यहाँ पानी नहीं पीऊंगी, मैं उनके यहाँ भोजन नहीं करूंगी, तो मुझे राम कथा और भागवत कथा कहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि मेरे प्रभु श्री राम ने सबरी के बेल खाए हैं, भगवान कृष्ण ने विदुर जी के घर में केले के छिलके खाए हैं। और जाते जाते उद्धव जी महाराज से जब भगवान अपने धाम को जाने लगे तो उनसे प्रश्न पूछा, प्रभु आपके 24 अवतार हुए हैं, सबसे ज्यादा आपको किस जन्म में भोजन करने का आनंद मिला? तो मेरे गोविंद कहते हैं कि त्रेता युग में जब शबरी के जूठे बेर खाए तब, और द्वापर युग में विदुर जी के घर में केले के छिलके खाए तब मुझे सबसे ज्यादा आनंद आया। मीरा माई का नाम
अभी लेते हैं, मीरा के भजनों के रस में झूम झूम के नाचते हैं, पग घुंघरू बाद मीरा नाची रे, भक्ति का ऐसा जोश मीरा ने जगाया, राजस्थान की धरती ही नहीं पूरा भारत पवित्र हो गया। पर किसी ने ये नहीं सोचा कि उस मीरा के अंदर भक्ति का भाव कहाँ से आया। मीरा ने जिसको अपना गुरु बनाया था ना, वो रैदास थे, चमड़े बनाते थे, चमड़ा ढोते थे और चमड़े के जूते बनाते थे। आपने कहावत सुनी होगी, एक कहावत सुनी होगी, मन चंगा तो कठौती में दंगा। किस किस ने सुनी, हाथ उठाओ। माता जी सभी ने सुनी होगी ना, मन चंगा तो बोली जरा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये कहावत रैदास जी महाराज के यहाँ से निकली और इस कहानी को मैं, इस कथा को 2 मिनट आपको सुनाना चाहूंगी, ध्यान से सुनोगे तो इस कार्यक्रम का पूरा प्रयोजन आपकी समझ में आ जाएगा। रैदास जी महाराज जिस गांव में रहते थे, उस ग्राम के ब्राह्मण देवता प्रयागराज गए। प्रयागराज में गंगा जी के संगम में स्नान करने के लिए जा रहे थे, त्रिवेणी संगम में। हमारे यहाँ पहले नियम होता था कि जब वही कोई तीर्थ यात्रा में जा रहा होता था तो उसको पैसे, 2 पैसे, रुपए देते थे, जितना भी होता था, और कहते थे कि हमारी तरफ से ये तीर्थ में दान कर देना या प्रसाद चढ़ा देना या कुछ भी कर देना, ऐसा जब प्रावधान चलता था पहले। तो ब्राह्मण देवता प्रयागराज जा रहे थे तो रैदास महाराज ने अपने जेब से 50 पैसे निकाले और कहा, ब्राह्मण देवता आप जा रहे हो, एक काम करना, गंगा मैया को ये मेरी तरफ से देना। ब्राह्मण देवता कहते हैं, अरे दूर जा, तू तो जात का चमार है, मुझे छूना मत, यहाँ पे ले लिया। रैदास जी ने कहा ठीक है, गंगा मैया को दे देना, लेकिन सुनिए। कहा क्या है, बोले एक ही शर्त पे देना, जब गंगा मैया स्वयं हाथ बढ़ा करके ले पैसे तो ही पैसे देना, वरना मेरे पैसे लेकर के वापस आ जाना। ब्राह्मण देवता ने कहा एक में जाति का चमार, ऊपर से 50 पैसे दिए, और क्या कहता है, गंगा मैया इसके पैसे लेगी, इसका अहंकार तो देखो, इसका घमंड तो देखो। चले गए प्रयागराज में स्नान कर रहे थे, तभी याद आया, कहा कि वैसे तो गंगा मैया इस चमार का पैसा लेने वाली है नहीं, पर फिर भी मैं एक बार प्रयास कर ही लेता हूँ। तो 50 पैसे निकाले और कहा, है गंगा मैया, रैदास ने आपके लिए 50 पैसे भेजे हैं, अगर आपको चाहिए तो हाथ बढ़ा दो, और जोर जोर से हंसने लगा ब्राह्मण देवता। लेकिन देखा उसी समय गंगा मैया की लहरों में एक बड़ी सी उफान आई और गंगा मैया में से एक सुंदर सा हाथ निकला और आवाज आई, ब्राह्मण देवता मेरे बेटे ने क्या मेरे लिए भेजा है, मेरे हाथ में। ब्राह्मण के छक्के छूट गए कि मैं जाति का ब्राह्मण, इतने वर्षों तक साधना की, मंत्र पढ़े, वेद पढ़े, आज तक कभी गंगा मैया प्रसन्न नहीं हुई, एक रैदास के लिए, एक जाति के चमार के लिए गंगा मैया आ गई। अब तो ब्राह्मण देवता मन ही मन रैदास का धन्यवाद करने लगा, उसकी वजह से मुझे आज गंगा मैया की आवाज सुनने का सौभाग्य मिला। पैसे ले लिए, फिर दूसरा हाथ निकला गंगा मैया से, हाथ में कंगन था। कहा बेटा एक काम करना, मेरे बेटे रैदास को ये कंगन देना और कहना तेरी माँ ने तेरे लिए उपहार भेजा। ब्राह्मण देवता गए, रैदास जी ने कहा माँ ने पैसे ले लिए, बोले हाँ, बोले मेरे लिए कुछ भेजा, ब्राह्मण की नियत बदल गई, और नहीं नहीं कुछ नहीं भेजा, बोले कुछ तो भेजा होगा, और बोले आपके लिए राम राम भेजिए, राम राम। तो ब्राह्मण देवता राम राम कह के चले गए, अपनी पत्नी को ले जाके कंगन दिया कि देखी देख तेरे लिए कंगन आया हूँ। महिलाओं का शौक होता है, माताओं का कोई नई नई बढ़िया बढ़िया चीज आती है तो उनको ऐसा लगता है कि 4-5 पड़ोस की औरतें जब तक देख ना ले तब तक वो चीज पहनने का, आपकी बात नहीं कर रही हूँ मैं, तो दूसरी जगह की बात कर रही हूँ। तो माता जी एक स्त्री सम्मेलन में गई और वो कंगन पहना ब्राह्मणी ने, और वहाँ की जो राज रानी थी बिल्कुल उसके बगल में बैठी और रानी को बार बार ऐसा ऐसा अपना कंगन दिखाने लगी, कंगन दिखाने लगी। तो रानी कहती है कि देवी जी आपका ये कंगन कहाँ से आया, बोले मेरे पति देव प्रयागराज से लेकर के आए हैं। अच्छा तो आप जरा ये कंगन मुझे दिखाएंगी, ब्राह्मणी ने उतार करके दिया। बोले आप तो एक हाथ का ही पहना, बोले आजकल वो एक हाथ में ब्रेसलेट की तरह पहनने का फैशन है ना, इसलिए एक ही हाथ में पहना है। अब कहा कि काम करिए मेरे साथ, जरा मेरे राजभवन चलेंगे। बोले क्यों, बोले जरा चलिए तो सही। तुरंत गई रानी, अपने पति से कहा मैं यहाँ की रानी हूँ, फिर भी मेरे पास इतना सुंदर कंगन नहीं। राजा ने कहा उसमें क्या बात है, अभी बुलवाए देते हैं। पूरे गांव के जौहरियों को बुलवाया, कहा तुरंत 2 घंटे में ऐसा कंगन बन के आ जाना चाहिए। जौहरियों ने कहा महाराज क्षमा करो, पूरा राज्य भी आपका बिक जाए ना तो इस कंगन का आप एक नग भी नहीं लगा सकते हैं, इतना अमूल्य कंगन है। बोले जब मैं राजा होकर ये कंगन नहीं बनवा सकता
कंगन कहाँ से लाए? बोले प्रयागराज से खरीद के। अच्छा, खरीद के लाए हो, जाओ दूसरे हाथ का भी लेकर के आओ। 24 घंटे के अंदर अगर दूसरे हाथ का कंगन नहीं आया तो तुम्हें फांसी पे लटका दूंगा। अब ब्राह्मण रोने लगा, क्या करूं, पहले गाड़ी और ये सब चलते तो थे नहीं कि वहां पे बैठ करके उससे चले जाए। अब ब्राह्मण को रैदास जी के पास जाने के सिवा कोई रास्ता नहीं था, चरणों में जाकर के लौट गया। रैदास जी कहते हैं, अरे ब्राह्मण देवता, मैं तो चमार हूँ, आप तो ब्राह्मण है। बोले महाराज, ब्राह्मणों के कर्म आपके हैं, मेरे कर्म तो शूद्रों से भी बुरे हैं। ब्राह्मण होकर के ऐसा कर्म किया है मैंने, वो कंगन चुरा लिया जो गंगा मैया ने भेजा था, और वही कंगन आज मेरे गले की फांसी बन गया है। राजा ने कहा है, अगर 24 घंटे के अंदर कंगन नहीं आया तो वो मेरे प्राण ले लेंगे, कुछ करिए महाराज, कुछ करिए। रैदास जी कहते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ? बोले आप गंगा जी जाइए और गंगा मैया से कंगन लेके आइए। बोले गंगा जी में कहाँ जाऊँ? बोले जहाँ पे भी पास में, हरिद्वार में बह रही है, प्रयागराज में, कहीं पे भी पास में चले जाइए, आपको ही वो कंगन मिल सकता है। रैदास जी कहते हैं, गंगा मैया के दर्शन करने के लिए मुझे हरिद्वार या प्रयाग जाने की जरूरत नहीं है। बोले मतलब? उन्होंने उनके कठौते में जो जल था, जो पानी था, जिसमें वो चमड़ा धोते थे, उस पानी को हाथ में लेके प्रणाम किया और कहा, हे गंगा मैया, अगर मैं मन क्रम वचन से आपकी भक्ति करता हूँ तो मुझे अपने उस हाथ के दूसरे हाथ का कंगन भी दे दीजिए। और उस लकड़ी के कठौते से वैसा ही हाथ प्रकट हुआ जैसा त्रिवेणी संगम में प्रकट हुआ था, और कहा, ये लो बेटा, दूसरे हाथ का भी कंगन दे। कंगन दिया ब्राह्मण देवता को, कहा लेकर के जाओ। कहा, महाराज ये क्या था? तब रैदास जी महाराज ने कहा, मनोवाक्य काय शुद्ध्यानाम राजस तीर्थे पदे पदे, जिसका मन कर्म वचन पवित्र है उसके शरीर को पवित्र होने की आवश्यकता नहीं है। जिसका मन पवित्र है वो व्यक्ति जहाँ भी स्थान, जहाँ भी पांव रखता है वो स्थान तीर्थ स्थान हो जाता है। और तब रैदास जी ने कहा था, मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये कथा सुनाने का तात्पर्य ये था कि एक ब्राह्मण देवता जिन्होंने रैदास के चरणों में प्रणाम किया। अभी आपने वाल्मीकि और भटजुनी की बात सुनी, आपने भारत के इतिहास को उठा करके शायद अच्छे से देखा नहीं है। ये भारत कभी जाति प्रधान रहा ही नहीं। रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी ने इतनी सुंदर मर्यादित कथा सुनाई है। भगवान श्री राम वन में गए, जंगलों में गए, कोल भीलों के पास गए। रामचरितमानस में कहा है, वचन किरातन के सुनत जीवित भी तू बालक बहन, जिस प्रकार पिता बच्चे की बोली सुनता है उस प्रकार कोल भीलों के बच्चों की बात सुनते हैं। राम केवट के नैया में बैठ करके उस पार जाते हैं तो निषाद रात के साथ बैठ करके कुटिया बनाते हैं। मेरे प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम राष्ट्र के नायक इसलिए नहीं है कि उन्होंने रावण को मारा। राम राष्ट्र के नायक इसलिए है क्योंकि वो जन जन के पास गए और जन जन के हृदय में जाकर के भेदभाव जाति पात छुआछूत सबको मिटा करके भगवान श्री राम राष्ट्र के नायक बने। बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में प्रथम श्लोक लिखा, वर्णा नामार्थ संधा नाम रसा नाम छंदसामपि, वर्ण का शब्द का प्रयोग किया। और आखिरी श्लोक में लिखा, ते संसार पतंग घोर किरणे दमयंती नो मानव। वर्ण और मानव के बीच में पूरी कथा सुनाई क्योंकि बाबा जी जानते थे कलयुग आएगा, ब्राह्मण कहेंगे कथा तो हम सुनाते हैं, राम पे हमारा अधिकार है। क्षत्रिय कहेंगे, नहीं नहीं, राम जी तो हमारे कुल में आए थे इसलिए रामायण पे हमारा अधिकार है। वैश्य कहेंगे, कथा के लिए पैसे तो हम लगाते हैं, रामायण पे हमारा अधिकार है। शूद्र कहेंगे, नहीं नहीं, राम जी तो तुम सबको छोड़ के हमारे पास आए थे, रामायण पे हमारा अधिकार है। बाबा तुलसीदास जी ने कहा, नहीं, किसी वर्ण विशेष का अधिकार नहीं है राम जी पे। जो सच्चा मानव कहलवाने का अधिकारी है, जो सच्चा सनातनी कहलाने का अधिकारी है, वही राम का अधिकारी है और वही रामायण का भी अधिकारी है। यहाँ पे माताएं बैठी हुई है, मैं जानती हूँ घर में जब कोई भीख मांगने के लिए, भिक्षा मांगने के लिए या कोई दूसरी जात का व्यक्ति आता है तो माताएं कहती दूर रहो, स्नान करती है, बहुत सारे प्रपंच होते हैं। मैं मानती हूँ आपने ये चीजें नहीं बनाई। एक छोटी सी बात बताऊंगी, हमारे यहाँ धर्मांतरण कैसे फैला। पहले तो मारपीट और भय नहीं था, पहले सिर्फ धर्म को छुई मुई का पेड़ बना लेते थे। रात को किसी ब्राह्मण को पकड़ लेते थे, रात भर ब्राह्मण को बांध के रखते थे, उसके सामने कुछ खाना खाया कुएं में फेंक दिया, थोड़ा सा पानी पिया जूठा कुएं में फेंक,
की धर्म। वेदों ने कहा है अगर वो कुरीतियां नहीं होती, छुआछूत नहीं होता, तो आज अरब देश से आए हुए उन चंद दुष्ट दुराचारियों और उन चंद मुसलमानों की वजह से हम धर्मांतरित नहीं हुए हैं। धर्मांतरण हुआ है इन लोगों की वजह से जिन्होंने कहा कि इसने छुआ धर्म नष्ट हो गया, उसने छुआ धर्म नष्ट हो गया। धर्मांतरण को मिटाइए। धर्मांतरण का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि कोई मुसलमान बन गया तो धर्मांतरित हो गया, ईसाई बन गया। धर्मांतरण ये भी है जो आप कर रहे हैं कि इसको नहीं छूंगा, उसको नहीं छूंगा। इस अमर बिल को मिटाइए। देश धर्म और अपने मंदिरों को बचाइए। ये कहा की सभ्यता है कि किसी निजी जाति के व्यक्ति के मंदिर में जाने से आप मंदिरों को धोओगे, आप अपने घर में आने वाले तो फिर हर चीज को बंद कर दीजिए। उस फूल को भगवान को चढ़ाना बंद कर दीजिए जो कोई एक माली उगाता है, उस पानी को मटके को पीना बंद कर दीजिए जो एक कुम्हार बनाता है, घर में वो टॉयलेट उपयोग करना बंद कर दीजिए जो एक हर जगह करके साफ करता है, घर में उन बर्तनों पे खाना बंद कर दीजिए जो वो बनाते हैं। हर एक समाज का एक वर्ण है और वर्ण व्यवस्था के अनुसार लोग अपना कार्य करते हैं। आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर राम को मानते हो तो राम के बनाए हुए मार्ग पे चलो, राम के बताए हुए मार्ग दर्शनों पे चलो। आपस में ऐसे लड़ते रहोगे तो ना कभी राम मंदिर बन पाएगा, ना कभी भारत हिंदू राष्ट्र बन पाएगा। ये दुष्ट दुराचारी व्यभिचारी कभी कश्मीर में हमला करेंगे, कभी बांग्लादेश में हमला करेंगे, कभी बांग्लादेश से घुसपैठी आकर के बंगाल में हमला करेंगे, कभी आकर के शरण मांगेंगे, कहेंगे हमें भारत देश में शरण दे दो। अरे भारत में इतने लोगों ने आकर के शरण ली तो भारत के का इतना सर्वनाश कर चुके हैं, भारत के टुकड़े टुकड़े कर दिए। आज बंगाल में स्थिति जाके देखो, हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है और उसके बाद भी कहेंगे कि हम शरणार्थी हैं, हमें शरण दे दो, हमें शरण दे दो। मैं आप सभी से हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहती हूँ, जिस दिन हिंदू एक हो गया, जिस दिन हम अपनी जाति पाति और ये सारी चीजें मिटा करके एकजुट हो गए, उस दिन किसी की औकात नहीं है भारत की तरफ आंख उठा करके देख सके। हमारे भारत के मंदिर टूटे, हमारे भारत के करोड़ों धर्म ग्रंथों को त्राहि त्राहि कर दिया गया। 33 करोड़ देवी देवता थे, हर देवी देवता का एक ग्रंथ होता था। भारत में 33,000 से ज्यादा मंदिरों को तोड़ा गया, उन मंदिरों को तोड़ करके तहस तहस किया गया, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने एक आवाज नहीं उठाई। क्यों? केवल हमारी चुप्पी के कारण कि कोई इस गाल पे मारे तो ये गाल भी दे दो। महाराज कब तक ऐसे करते रहोगे? आपस में ही लड़ते रहोगे और आपस में ही कहोगे नहीं नहीं हम तो शांति का दान देने वाले हैं, हम लोग लड़ने वाले नहीं। कब तक चुप रहेंगे? सोमनाथ का मंदिर टूटा फिर भी तुम खामोश रहे, जिसने चाहा उसने लूटा फिर भी तुम खामोश रहे। सदियों का इतिहास हमारा कायरता की गाथा है, इस आर्य संस्कृति का देखो कितना कृषि माथा है। सहते सहते जुल्म हम इस कगार तक आ पहुंचे कि महाकाल प्रलयंकर का त्रिशूल उठा के हाथों में। एक बार तो कहो हिंदू हिंदुस्तान हमारा है, एक बार तो कहो हिंदू हिंदुस्तान हमारा है। भारत भूमि पवित्र है, भारत भूमि हमारी माँ है। अमेरिका को माता नहीं कहा जाता, अफगानिस्तान को पाकिस्तान को माता नहीं कहा जाता, पर भारत देश को भारत माता कहा जाता है। यहाँ की नदियों को गंगा मैया, गौ माता को गाओ विश्व सुमात्रा कहा जाता है, और उसी गौ माता को कसाईयों के हाथ में चंद रुपयों पे बेच देते हो। अरे आपकी माँ तो आपको कुछ दिनों तक दूध पिलाती है, पर गौ माता जब तक हम जीवित रहते हैं तब तक हमें दूध पिलाती है। मेरी माताओं से निवेदन है, अपने घर में 5 यज्ञ बताए गए हैं सनातन संस्कृति में। उन 5 यज्ञों में जो नित्य यज्ञ किया जाता है, पहला यज्ञ की पहली रोटी गौ माता को खिलानी चाहिए। अपने घर की पहली रोटी गौ माता को खिलाओगे, गौ माता के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। ज्यादा बात तो नहीं कहती, पर इतनी बात कहूंगी कि अगर सुबह उठ करके किसी ने गौ माता के चरण भी छू लिए ना, तो पूजा पाठ नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा, सभी देवताओं की पूजा का फल मिल जाएगा। गौ माता के गौमूत्र में गंगा इत्यादि नदियों का वास होता है, गौ माता के गोबर में लक्ष्मी का वास होता है। आजकल ये फिनाइल और ये सब निकल गए, लेकिन पहले के जमाने के लोग गोबर से अपने घर को लीपा करते थे, अपने आंगन को प्रांगण को लीपा करते थे, घर में चौक डालते थे, ऐसी रंगोलियां डाला करते थे, घर आंगन को सजाया करते थे। अरे कहां गई वो सभ्यता, कहां गई वो संस्कृति कि भारत की हर माँ को। विवेकानंद जी महाराज से अमेरिका में किसी ने पूछा, अरे आपके भारत को विश्व गुरु क्यों कहा जाता है? विवेकानंद जी ने कहा, आपके यहाँ आपकी स्त्रियों को, आप अपनी माँ और बहन को छोड़ के हर स्त्री को गलत नजर से देखते हो, लेकिन हमारे भारत में अपनी पत्नी को छोड़ के हर स्त्री के अंदर माँ और बहन का रूप देखा जाता है, इसलिए हमारा भारत विश्व गुरु।
नहीं जाता, सेना पे डट रहे। ठंडी में 50 डिग्री की गर्मी में लेह लद्दाख के बर्फ के नीचे दब करके देश के फौजी भाई हमारी रक्षा करने के लिए घुटने तक के पानी से खड़े रहकर दिन रात हमारी सेवा करते हैं, जागते हैं, अपनी नींदें गवाते हैं। और अगर कोई शहीद भारत देश का फौजी शहीद होता है तो भारत देश के नेता लाख दो लाख रुपए लेकर दे करके और 21 तोपों की सलामी दे करके तिरंगे का कफन लहरा दे करके उनको कह देते हैं हमने अपना कर्तव्य निभा दिया, 15 अगस्त को नाम ले लिया, उनका काम हो गया पूरा। लेकिन ओलंपिक में जीत करके आने वालों का मैं किसी का विरोध नहीं कर रही हूँ, लेकिन किसी व्यक्ति ने बहुत सुंदर हमारे गांव से नाच गाना प्रदर्शन कर दिया, कोई बहुत बढ़िया खेल कूद में आके आ गया, करोड़ों नेता ऐसे करोड़ों रुपए की बौछार कर देते हैं। कभी जाकर के देखो कि उन खेल कूद करने वालों को, नाचने गाने वालों को पैसे देने वाले हजारों है, लेकिन किसी शहीद के घर में चूल्हा जला है कि नहीं, उन नेताओं को जाकर के ये भी तो देखना चाहिए, उस माँ को ये देखना चाहिए कि वो माँ बेचारी जो अपने बच्चे की राह में कि मेरे बेटे की शादी होने वाली है, मेरे बेटे के हाथ में भी हल्दी लगेगी, लेकिन हल्दी लगने से पहले उसके बेटे के सीने में गोली चल गई, लाल खून से लथपथ वो बेटा जब अपने घर पे आता है उसकी माँ रोती नहीं है, वो माँ कहती है मेरा बेटा शहीद नहीं हुआ है, मेरे बेटे ने तो अपना कर्तव्य निभाया है, क्योंकि उसकी पहली माँ मैं नहीं, उसकी पहली माँ भारत माता है और उसके माँ को अपने आप में समझ। तो केवल देश की रक्षा करने का ठेका फौजी भाइयों ने नहीं है, केवल देश को चलाने का काम पुलिस वालों का या कानून व्यवस्था का नहीं है, हम सभी का काम है। मैं माताओं से निवेदन करती, घर में 2 बच्चे हैं, एक बच्चे को अपनी सेवा में रखो, एक बच्चे को फौजी सैनिक बना करके देश की सेवा के लिए जरूर भेजना, ताकि देश की सेवा हो सके, रक्षा हो सके। और युद्ध के ललकार की बात आए तो आप भाइयों को भी खड़ा होना पड़ेगा, आप सभी को भी एकजुट होकर के कहना पड़ेगा। आज एक जाति और एक राष्ट्र की बात कर रहे, जाति की बात तो मैंने बता दी, लेकिन राष्ट्र को भी सुरक्षित रखना पड़ेगा। और राष्ट्र सुरक्षित तभी रहेगा जब हम भारत में हिंदू राष्ट्र लेकर के आएंगे। अभी हमारे योगेश दादा ने आपको बताया कि कितने ईसाई देश है, कितने मुस्लिम देश है, लेकिन पूरी दुनिया में कोई हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं है? हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए। धर्म के नाम पे देश का बंटवारा हुआ था, रिलीजन के नाम पे देश का बंटवारा हुआ था, उस समय देश में केवल 4% के लोग थे, आज 25% से भी ज्यादा ये लोग हो गए हैं। और यहाँ पे भारत में रहके कहते हैं कितने अफजल मारोगे, घर घर से अफजल निकलेगा, भारत के लिए टुकड़े होंगे हजार। और भारत सरकार को उनको देशद्रोही साबित करके उनको फांसी पे पत्ता लटकाने की बात तो दूर, उनका समर्थन करती है, नेता उनकी वाहवाही में आगे आते हैं, लेकिन नेता अगर वोट बैंक की नीति के लिए भले वाहवाही में आ जाए, पर भारत देश की ये जनता, भारत देश के ये लोग, भारत माता के ये पुत्र खुल करके डट करके जवाब देंगे, हमारे भाइयों ने जैसा कार्य किया है, भारत स्वाभिमान के कार्यकर्ताओं ने जैसा मुंह तोड़ उनको जवाब दिया है, अरे जिस घर में अफजल निकलेगा उस घर में घुस के मारेंगे, लेकिन भारत में अफजल नहीं पैदा होने देंगे। एक अफजल आएगा तो भारत में 1000 शिवाजी पैदा होंगे और 1000 बार अफजल को मारा जाएगा। इस भारत की धरती में वीरों की कमी नहीं रही है, कभी महाराणा प्रताप आते हैं, कभी वीर शिवाजी महाराज आते हैं, तो आपको भी वीर शिवाजी महाराज का, महाराणा प्रताप का वो पौरुष अपने हाथों में रखना होगा और कहना होगा कि करो युद्ध। युद्ध करने की बार बार पाकिस्तान कहता है ना कि युद्ध करो, कभी चाइना कहता है अरे करो युद्ध, हम भी अपना सपना सच कर लेंगे, सिंधु नदी के पावन जल से श्रद्धा की अंजलि भर लेंगे, करो युद्ध, हम तुमको तुम्हारे खून से नहलाएंगे, देखे जितने स्वप्न उसे मिट्टी में मिलाएंगे, अरे कितने तक भी ना जाएंगे, जिन्ना की पहचान पे और आपकी भगवा लहरा देंगे पूरे पाकिस्तान पे। शांति शांति शांति, सदियों से हम विश्व शांति का अनुष्ठान करते आए, मानवता के हित चिंतन का वृंदगान करते आए, किंतु समर की बेला में हम महाकाल बन जाते हैं, वंशभार के दुश्मन का लहू तक पी जाते हैं, अरे सत्य बात क्षमा करने की परंपरा हम छोड़ चुके, अब ना रहम की आस लगाना शब्द वेदी चौहान पे, क्योंकि अब की भगवा लहरा देंगे पूरे पाकिस्तान पे। एक राष्ट्र की अगर बात करते हो तो राष्ट्र को सुरक्षित करने के लिए एक हाथ में शस्त्र और एक हाथ में शास्त्र लेकर के चलना पड़ेगा, फिर से महाराणा प्रताप की पौरुषता को लाना पड़ेगा कि घास की रोटी खा
दिखा दी लेकिन अपना धर्म नहीं बेचा। याद करना होगा गुरु गोविंद सिंह के उन दो लालों को, जोरावर सिंह फतेह सिंह। औरंगजेब कहता है दीवारों पे चुनवा दिया जाएगा, इस्लाम कबूल कर लो। जोरावर सिंह फतेह सिंह कहते हैं भगवान ने गीता में कहा है श्रेयान स्वधर्मो विगुणा पर धर्मो भयावह, अपने धर्म में मर जाना बेहतर है पर दूसरों की जूठन नहीं चाटेंगे। जोरावर सिंह और फतेह सिंह को दीवार से चुनवाया जाने लगा। छोटा भाई पहले दीवार पे चुन गया, बड़े भाई की आंखों में आंसू आ गए। औरंगजेब को लगा ये डर रहा है, कहा अभी भी वक्त है इस्लाम कबूल कर लो, तुमको छोड़ दिया जाएगा, तुमको दीवार पे नहीं चुनवाया जाएगा, मुझे पता है तुम डर के कारण रो रहे हो। जोरावर सिंह फतेह सिंह दीवारों पे चुन गए। बड़ा भाई कहता है मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि दीवार पे मुझे चुनवाया जा रहा है, मैं तो इसलिए मेरा परिचय इतना है मैं भारत की तस्वीर हूँ। ये हर नारी का हर माँ का परिचय है। आज भारत में लव जिहाद बड़ी तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। लव जिहाद का मतलब सीधा सा हिंदू बहन बेटियों को प्रेम जाल में बहला करके फुसला करके उनको उनके धर्म से अलग करके हिंदुओं की जनसंख्या को कम करना है। मेरे बहुत सारे भाई बैठे हैं यहाँ पे, हाथ जोड़ के निवेदन करूंगी आने वाले समय में, अभी रक्षाबंधन गया है, अगले साल रक्षाबंधन आए तो अपनी बहनों को उपहार के स्वरूप मरेंगे, उससे पहले मरने वाले नहीं। आपको अगर कभी ऐसा लगे कि मेरी बातें झूठी है या ऐसे मैं भाषण देने के लिए ये सब बोल रही हूँ तो वो बिल्कुल मत सोचना। आधी रात को 24 घंटे में कभी भी, सातों सप्ताह में कभी भी, वर्ष के 365 दिन में कभी भी समय अगर मैं कहीं और कार्यक्रम में नहीं रही तो जब भी आप इस गाँव वासी मुझे बुलाएंगे आपकी ये बहन सदैव आपके साथ में है। देखिए आज मुझे पता है आपका प्रेम और उत्साह भाव बहुत बढ़िया है लेकिन मैं आप लोगों से बहुत नाराज भी रहती हूँ। आप लोग मैं जहाँ भी जाती हूँ कह तो रहते हैं कि आप कविता सुनाइए, कश्मीर से होगा पाकिस्तान नहीं होगा, लेकिन उसके लिए आपको काम तो करना होगा। मैं इसलिए नहीं सुनाती हूँ कि मुझे सुनाना है आपको, इतिहास की क्या हस्ती है पूरा भूगोल बदल देंगे, तारा हर मोड़ बदल के लाहौर से गुजरेगी गंगा और इस्लामाबाद की छाती पे लहराएगा भारत का झंडा, रावलपिंडी और कराची तक सब कुछ गारत हो जाएगा, सिंधु नदी के आर पार पूरा भारत हो जाएगा और फिर सदियों सदियों तक जिन्ना जैसा। और एक और देशद्रोही का नाम लेना चाहूंगी, वैसे बड़ा पापी है उसका नाम लेना नहीं, आप सभी को प्रणाम, जय श्री राम, बोलो।